एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई एम सिमरन सहानी ऑल द क्लास टेन स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेन इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ओके तो ये जो चैप्टर है ये एक बहुत ही फेमस नोवेल में से लिया गया है जिसका नाम है द इनविजिबल मैन ठीक है तो जल्दी से मुझे जो है चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन में ठीक है कौन है ऑथर यस यू ऑल आर राइट आई होप आप सबने से कमेंट सेक्शन में सही बताया होगा एच जी वेल्स एच जी वेल्स की एक बहुत ही फेमस नॉवल है जिसका नाम है इनविजिबल मैन इसमें एक साइंटिस्ट होता है जो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करता है कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट या इनविजिबल बनाया जाता है बट वो जो ये इन्विजिबल बन जाता है ये तो उसके बाद ये इनविजिबल होने के बाद सारे लॉलेस काम करता है लॉलेस यानी कि सारे कानून तोड़ता है ये इन्विजिबल होने के बाद और यही इंटरेस्टिंग ऐसे अलग अलग से इवेंट्स जो है इंसिडेंट्स जो है पूरी की पूरी इन्विजिबल मैन ल में है अब ये जो आपका चैप्टर है Footprints without विदाउट फीट यू नो इतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में इनविजिबल मैम पूरी की पूरी नॉवल में इतने सारे इंसिडेंट्स थे उन सभी इंसिडेंट्स को थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट वे में इस पूरे चैप्टर में हमें समझाया गया है ठीक है तो अभी तो आपको ये पूरा चैप्टर में पढ़ा दूंगी ठीक है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कभी टाइम मिला तो इन्विजिबल मैम नॉवल भी जरूर पढ़ लेना ठीक है तो काफी सारी जो कुछ भी नॉवल में हुआ था तो उसके शॉर्ट शॉर्ट इंसिडेंट्स हमें यहाँ पर बता दिए गए हैं इस चैप्टर में ठीक है तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को ठीक है तो जैसे चैप्टर शुरू होता है दो बच्चे होते हैं दो भाई होते हैं और वो लंदन में देख रहे होते हैं कि उनके घर के बाहर उनको ना मिट्टी के ऊपर जो है और मड इम्प्रिंट्स मिल रहे होते हैं पैरों के ठीक है जैसे नंगे पैर जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान पड़ जाते हैं ना तो उन्हें अपने घर के बाहर क्या दिख रहा था कि मिट्टी के निशान दिख रहे हैं पैर हैं और पैरों के निशान दिख रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे मिट्टी से और कोई इंसान नहीं दिख रहा है तो वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि भैया ऐसा क्या हो गया है कि भैया निशान तो दिख रहे हैं हमें पैरों के मिट्टी से बन रहे हैं वो पैरों के निशान बट जो है कोई इंसान नहीं दिख रहा तो बहुत ही आश्चर्य में यानी कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं वो बच्चे कि उनको ऐसा दिख रहा है ये देखो इस तरीके से पैरों के निशान आगे बढ़ते हुए उन्हें दिख रहे होते हैं इतने आगे तक चले जाते हैं वो पैरों के निशान कि स्ट्रीट के नीचे तक वो फॉलो करते रहते हैं उनके घर से आगे वाली जो सड़क थी ना उससे आगे नीचे तक जा रहे होते हैं वो पैर बट कोई इंसान नहीं दिख रहा था तो बच्चे बड़े हैरान होते है, क्या हो रहा है और धीरे धीरे क्या होता है वो जो फुटप्रिंट्स थे ना वो फेड होने लगते हैं धीरे धीरे फेड होने लगते हैं और दिखने बंद हो जाते हैं बच्चे अपने घर वापस ठीक है तो ये मिस्ट्री से चैप्टर शुरू होता है कि भैया ऐसा हो सकता है कि आपको पैरों के निशान दिख रहे हो और कोई इंसान ना दिख रहा हो तो शायद भूत होगा बट नहीं गाइस भूत नहीं है ये मिस्ट्री बहुत ही ईजी है सॉल्व करने के लिए मिस्ट्री क्या है बेसिकली ये पैरों के निशान किसके थे हमारे एक साइंटिस्ट के थे जिसका नाम क्या है ग्रिफिन है जिसने अभी अभी साइंस के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करी है और वो डिस्कवरी क्या है कि उसने एक एक तरीके से एक पोशन निकाल लिया जिसको उसने एंटायर एक ड्रग उसने डिस्कवर करी जिस ड्रग को उसने पी लिया और उस ड्रग को पीने के बाद उसकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट बन गई है जस्ट लाइक अ शीट ऑफ ग्लास बट अभी भी सॉलिड है ठीक है तो वो उसने साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी डिस्कवरी करी इनविजिबल कैसे बनाते हैं बॉडी को और उन्हें पूरी की पूरी ड्रग पी ली वो ठीक है और उससे वो ट्रांसपेरेंट तो हो गया बट अभी भी सॉलिड है यानी कि यू कैन टच हिम ठीक है और अगर वो कपड़े पहनता है तो वो विजिबल हो जाता है तो वो आप डिस्कवरी समझ गए ना वो बच्चे किसका पीछा कर रहे थे वो कोई भूत भूत नहीं था वो इनविजिबल मैन था हमारा जिसका नाम क्या है ग्रिफिन है अब ये ग्रिफिन जो है ना गाइज ये लॉ पर्सन है लॉ मतलब कानून बिल्कुल ही तोड़ने वाला इंसान है ये ठीक है ये हर वो गलत काम करेगा जो इसे नहीं करना चाहिए था अब ये इनविजिबल हुआ था तो ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अच्छे काम के लिए भी अपनी इस डिस्कवरी को जो है यूज़ कर सकता था बट नहीं ये सारे गलत काम करने वाला है जो अभी बहुत सारे हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो ये जैसे ही इनविजिबल हो जाता है तो ये क्या करता है इसके घर के जो मालिक थे ना लैंड जो थे उनसे इसकी बनती नहीं थी और वो इसको धमकाते हैं कि हम तुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं यानी कि वो इसको घर से बाहर ही निकाल रहे होते हैं बहुत तंग करता है उसको उन लोगों को नावल में बहुत डिटेल में बता रखा है उन्हें भी तंग करता है टाइम पे पेमेंट नहीं देता बट तुम ध्यान मत रखो इस सब चीज़ों को बेसिकली इसके जो लैंड थे घर से बाहर निकाल रहे होते हैं इसको तो वो घर से बाहर निकाल रहे हैं ये अपने ईगो पे ले आता अच्छा है अच्छा भैया मेरे को घर से बाहर निकालोगे तुम तो ये रिवेंज लेने के लिए यानी कि अपना बदला लेने के लिए उस घर को आग लगा देता है अपने लैंड के घर को आग लगा देता है अब वहाँ आग लगा देता है और उस आग से बचने के लिए और वहाँ सब लोगों की जो भीड़ होती है उससे बचने के लिए इसे क्या करना पड़ता है ये अपने सारे कपड़े उतार के वहां से इनविजिबल होके भाग जाता है अब वही वो, वो समय था कि वो अपने उस घर से भाग के ही आया था अब भैया लैंडलॉर्ड का घर जलाया तो अपना भी तो जला दिया अपना भी सारा सामान जल गया इसका इसके सारे कपड़े जल गए और इसे इन्विजिबल हो गया जैसे ही इनविजिबल मैंने अपनी शर्ट और अपने सारे कपड़े रिमूव कर देता है तो ये इनविजिबल हो जाता है तो ये वैसे ही वो भाग के आया था अभी लंडन की सड़कों पर घूम रहा था और वही उसका मिट्टी पर पैर पड़ गया था और वही मिट्टी पर पैर पड़ने के बाद जैसे अगर हमारे पैर गीले होते हैं फिर हम आगे चले तो थोड़ी देर गीले गीले पैरों के निशान पड़ जाते हैं ना वैसे ही इसका पैर मिट्टी पर पड़ गया था तो देर तक उन दोनों बच्चों ने इन्हीं निशानों को फॉलो करा था अब भैया ये सब इसने ऐसे इनविजिबल होते ही कर दिया है एक आग आग लगा लगा दिया दिया घर 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 को 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 अपने नहीं लैंडलॉर्ड के भी अब ये वांडर कर रहा है सड़कों पे होमलेस अब घर तो नहीं है ना अब क्या करे और इसने बिल्कुल ये जो इतना एडवेंचर इसकी लाइफ में हुआ ना ग्रिफिन की, की इनविजिबल हो गया है सही समय पर नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ और सही जगह पर नहीं हुआ क्योंकि एक्चुअली में गाई ये लंडन में रह रहा था और लंडन में मिड विंटर चल रहा था इतनी सर्दी में तुम एक स्वेटर में खुद को इमेजिन नहीं कर सकते हो ये बिना कपड़ों के था समझ रहे हो इतनी ठंड में इतनी ठंडी हवा चल रही थी और ये बिना कपड़ों के वहाँ सड़कों पे घूम रहा था जैसे ये कपड़े पहन लेता लोग इसे देख लेते तो इसलिए ये वहाँ घूम रहा था तो ये अपने कम्फर्ट के लिए क्या सोचता है कि अरे मैं मॉल में चला जाता हूँ लंडन स्टोर जो है वहाँ जाके ना रात को रुक जाता हूँ वहाँ पर जाके मैं रेस्ट कर लूँगा तो जैसे इन्विजिबल होते ही उसने क्या सोचा जैसे अगर कोई नॉर्मल सोचे कि भाई मॉल में घुस के सारा मज़े करके आएंगे वैसे ये क्या करता है ये वॉर्म लेने के लिए गर्माई लेने के लिए ये लंडन स्टोर को देखता है और जैसे ही स्टोर बंद होने वाला होता तो है उससे पहले वहाँ एंटर कर जाता है अब जब स्टोर बंद हो जाता है तो ये सारे बॉक्सेस ओपन करता है अपने लिए कपड़े अच्छे अच्छे डिसाइड कर लेता है अच्छे अच्छे से कपड़े पहन देता है ठीक है और फिर खाने के लिए अपने लिए कुछ रेस्टोरेंट से लेता है ठीक है वाइन पीता है चॉकलेट्स खाता है मीट खाता है और काफ़ी कुछ अपना पेट भर लेता है और वहाँ पे बिना कोई पैसे वैसे दिए आराम से कपड़े भी पहन लेता है अपने लिए ओवरकोट पहनता है एक वाइट ब्रिम्ड वाली हैट होती है वो पहनता है पूरा रेडी हो जाता है हमारा ये ग्रिफिन और फिर क्या करता है चल भाई अब सो जाता हूँ तो एक क्विल्ट्स का एक रजाइयों का ढेर लगा होता है वहाँ पर जाके सो जाता है ये ठीक है बट अनफॉर्चुनेटली इसका ये बहुत अच्छा खासा हो जाता काम अगर ये सुबह टाइम पर उठ जाता बट ऐसा नहीं हो पाता है सुबह ये टाइम पर नहीं उठ पाता है स्टोर खुल जाता है और स्टोर के जो बॉडी होते हैं इंचार्ज होते हैं जो 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 सिक्योरिटी होती है वो आ जाती है और वो ग्रिफिन को वहाँ सोते हुए देख लेती है अब कंफ्यूज मत होना ना भाई ग्रिफिन तो इनविजिबल है तो क्यों सोते हुए देख लेती है क्योंकि रात को ग्रिफिन ने ड्रेस कर लिया था खुद को रात को ग्रिफिन ने वहां वो जो स्टोर में कपड़े थे ना नए नए उसने कोट वगैरह सब पहन लिया था तो भाई जब कपड़े पहने तब तो वो विजिबल है समझ गए तो वो सो गया वो कपड़े पहन के वहाँ जाइाइयों में और वो सिक्योरिटी वालों ने उसे देख लिया तो वो जैसे ही सिक्योरिटी वालों को देखता है वहाँ से भागता है अब भागने के लिए सारे सिक्योरिटी वाले उसके पीछे यहाँ देखिए बुक में फोटो गिवन है सारे सिक्योरिटी वाले ग्रिफिन के पीछे कि अच्छा भैया तुमने क्या क्या कराया स्टोर में इतना सब कुछ खाया कोई बिल पे नहीं करा बिना पूछे स्टोर में घुस गए हो तुम तो सिक्योरिटी वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं एंड अगेन उसको जो इतनी मुश्किल से उसने ये इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े अपने लिए चूज़ करे थे ये वाइट ब्रिट वाली हैट एक ओवर एंड ऑल दैट उसको क्या करना पड़ता है उनको रिमूव करना पड़ता है क्योंकि अगर भागना इनविजिबल हो गए तो कपड़े तो रिमूव करने पड़ेंगे तो वो सारे कपड़े जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये मॉल है या लंडन स्टोर आप कहिए ये सिक्योरिटी गार्ड्स पीछे भाग रहे हैं तो ये अपने सारे कपड़े रिमूव करके इनविजिबल होकर वहां से भाग जाता है अब वंस अगेन हमारा ये ग्रिफिन उसी हालत में है क्या कि बिना कपड़ों के वहीं इतनी ठंड में जनवरी चल रही थी और ये हमारी लंदन की सड़कों पे था ठीक है तो अब ये सोचता है कि भैया अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा मेरे को सिर्फ कपड़ों की ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है जिससे मैं अपने ऊपर वाला जो एरिया है ना फेस का उसे कवर करूँ क्योंकि जब ये जो है गाइस कपड़े पहन लेता था तभी इसका फ़ेस ट्रांसपेरेंट रहता था ऐसा लगता था मुंडी कटा इंसान हो हेडलेस ठीक है तो इसलिए सोचते हैं कि मैं ना थिएट्रिकल कंपनी जाऊंगा अब वहाँ लंदन में थिएटर्स होते हैं जैसे कि आपको पता है तो एक जगह थी ड्ररी लेन ठीक है जैसे हमारे यहाँ अलग अलग गलियाँ होती है ना तो उस गली का नाम है ड्ररी लेन और वहाँ पे सोचता है कि बहुत सारी वहाँ पे दुकानें होंगी जहाँ थिएटर का सामान मिलता है ना लोगों का तैयार होने का थिएटर का एक्टर वैक्टर बनने का वहाँ से मैं कुछ अपने लिए जुगाड़ कर लूँगा ठीक है तो ये जाता है ड्ररी लेन में एक शॉप में एंटर करता है और चुपचाप जैसे कि इन्विजिबल है तो शॉप में एंटर कर जाता है आराम से शॉप के ऊपर वाली जो अपस्टेयर्स पे एक कमरा होता है वहाँ जाता है वहाँ जाके अपने लिए बैंडेजेस ले लेता है और वो बैंडेजेस को अपने फेस पर रैप कर लेता है ऐसे ठीक है कि जिससे कि इसका जो फेस है वो विजिबल हो जाए ठीक है तो वो बैंडेजेस लेके ये जो हमारा इनविजिबल मैन है अपने फेस पर रैप कर लेता है एक डार्क ग्लासेस काले रंग के बड़े बड़े ग्लास लगा लेता है अपने पे एक फॉल्स नोज भी इसको मिल जाती है नकली नाक क्योंकि थिएट्रिकल कंपनी थी तो काफ़ी कुछ होता है थिएटर्स के लिए और बुशी साइड विस्कर्स विस्कर्स आपको पता है ये साइड वाले जो ये यहाँ पे होते हैं ये लगा लेता है नकली और फिर वहाँ पे हैट है। लगा लेता है और वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है अब तो गाइज वो विजिबल था बिकॉज ही वॉज ड्रेस्ड ठीक है अब तो उसने बैंडेजेस वगैरह नोज़ वगैरह भी लगा ली थी अब तो वो विजिबल था तो अब वो कैसे भागे उस शॉप में से तो बहुत केयरलेसली यानी कि बहुत कायरता से क्या करता है वो जो शॉपकीपर था वहाँ का उसको पीछे से अटैक करता है यानी कि उसे मारता है और उसके पैसे चुरा के उस थिएटर वाली कंपनी की जो दुकान थी वहाँ से भाग जाता है तो देख रहे हो कितने क्राइम्स इसने कर दिए अभी ये इनविजिबल हुए से कुछ देर ही हुई होगी एक घर जला दिया ठीक है और उसके बाद इसने क्या करा है इसने आ... वो लंदन के स्टोर में इसने एंट्री करी उसके बाद इसने अभी अभी एक आदमी को अटैक भी करा और उसके यहाँ चोरी भी करी है एंड एक चीज अगर मैं तुम्हें तो सिर्फ नॉवल में से बताऊँ तो इसने पता है अपने ये एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या करा था इसने एक ये जो इसकी ड्रग थी ना इन्विजिबल वाली ये कैट को पिला दी थी ठीक है उससे वो जो बिल्ली थी वो इनविजिबल हो गई थी तो सड़कों पर वो बिल्ली घूमती रहती थी और लोग डर जाते थे सुनकर कि बिल्ली की आवाज़ तो आ रही है बट बिल्ली कहीं नहीं दिख रही है इसने ऐसा भी करा है कि इसने एक बिल्ली को इन्विजिबल कर दिया जस्ट इमेजिन कि तुम जा रहे हो निकल के तुम्हें बिल्ली की आवाज़ बहुत अपने पास में सुनाई दे तुम्हें बिल्ली दिखाई नहीं दे रही है डर ना तो ऐसी बिल्ली के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा कि उसे कुछ खाने को भी नहीं मिल पा रहा था एंड ऑल दैट तो ये बहुत ही लॉलेस पर्सन था इसलिए मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है ठीक है तो इतने सारे क्राइम ये कर चुका था अब लंडन में रहना इसे लग रहा था मेरे लिए इतना सेफ नहीं है ठीक है तो ये सोचता है कि मैं ना एक शान से गांव में जाके बस जाता हूं जहां लोग मुझसे ज्यादा क्वेश्चन ना करें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जहां पर मैं आराम से रह सकूं तो ये अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर देता है और एक जगह पर एक धर्मशाला में इन कहते हैं वहां पर अपने दो कमरे बुक कर देता है कहां जाने का डिसाइड करता है ये

अब पता है आपको जब ये गांव था बहुत छोटा सा गांव था आइपिंग ठीक है अब गांव में ना ऐसे बातें छुपती नहीं है इधर उधर सबको सब पता चल जाता है तो सब बड़े हैरान होते हैं कि भैया सर्दियों के मौसम में हमारे छोटे से गांव में कोई घूमने क्यों आया है कोई विजिटर क्यों आया ऐसी बातें बन रही थी कौन आया है ये और दिखने में भी इतना अजीब है अब कोई सीधा सा इंसान थोड़ी लग रहा था फेस पे बैंडेज काला चश्मा नोज नकली और अजीब सा थोड़ा ड्रामना भी दिखता था हट लगा रखी है तो बातें बन रही थी पता नहीं कौन आया है बट वो जो मालकिन थी वहाँ की जो इनकी जो धर्मशाला की मालकिन थी मिसेस हॉल उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्यों क्योंकि ऑलरेडी उसने दो कमरे बुक कर दिए थे सर्दियों में जब कोई विजिटर नहीं आता था टाइम टू तो टाइम अपनी पेमेंट कर रहा था एडवांस में पेमेंट कर दी थी तो इसलिए वो एक्सक्यूज कर रही थी ग्रिफिन को किसी भी चीज़ के लिए दो ग्रिफिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर था गुस्सा हो जाता था बट मिसिज हॉल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ठीक है अब कुछ समय बीत जाता है तो मतलब कि आप समझो कि मिसेस हॉल ना कैसी थी लेडी थी वो तो उनका मन करता रहता था, था गप्पे मारने का बातें करने का तो वो ग्रिफिन से जाके कुछ कुछ बात करती रहती थी तो ग्रिफिन ने उन्हें बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे थे क्या कि देखो मैं आईपिंग इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है एंड माई डिज़ायर फॉर सोल्टीट्यूड मुझे अकेलापन चाहिए इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे आके बार बार मेरे रूम में और मेरा फेस अगर आप सोच रहे हो तो ये एक एक्सीडेंट की वजह से है तो मिसेज़ हॉल को भी समझ में आ गया कोई बात नहीं थी मेरे यहाँ पे एक साइंटिस्ट रहने आया है और मेरे को जब ये टाइम पे पैसे दे रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इसको डील कर लूंगी ठीक है तो अच्छा खासा हमारा ग्रिफिन रह रहा था कहां पे आईपिंग में वो जो इन था ना वहाँ पर रह रहा था ये अब धीरे धीरे क्या होता है भाई वो चोरी का पैसा खत्म होने लगता है वो जो चोरी करी थी उसने वो पैसा ज्यादा समय तक नहीं चलता है चोरी का पैसा खत्म होने लगता है और मिसेज़ हॉल जब आगे का पैसा मांगती है तो उसे मिसेज हॉल को बताना पड़ता है क्या कि अभी मेरे पास रेडी कैश नहीं है मेरे पास कैश नहीं है मेरा चेक आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा ठीक है अब धीरे धीरे कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसपे सब कुछ शक होने शुरू हो जाएगा किस पे हमारे ग्रिफिन पे ठीक है तो ग्रिफिन पे बेसिकली पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया उस पर पैसा नहीं है किसको पे करने के लिए अब मिसेज हॉल को काफ़ी समय हो गया उसको रहते हुए और अभी आगे जो होगा उसके बाद काफी कुछ चेंज होने वाला हो है अब कुछ, कुछ समय बाद ही आपकी बुक में लिखा है कुछ समय बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एपिसोड होता है देखो क्या होता है कि जो वहां विलेज था जो वो आईपिंग विलेज था उसके जो क्लर्जी मैन का घर था क्लर्जी मैन का घर था वहाँ होती है चोरी क्या होता है बहुत सुबह सुबह की बात होती है क्लर्जी मैन अपनी वाइफ के साथ थे ऊपर अपने रूम में थे देवर स्लीपिंग एंड उन्हें एकदम से आवाज़ आती है कि उनके जो नीचे घर में जो है उनकी जो स्टडी टेबल है वहाँ की ड्रॉर ओपन हुई है और वहाँ से चिंक ऑफ मनी की आवाज़ आई यानी कि सिक्कों की पैसों की आवाज़ आई कि कोई पैसे चोरी कर रहा है एंड ऑल दैट ठीक है तो क्लर्जी मैन एकदम से उठ जाते हैं नींद में से अपना पोकर उठाते हैं यानी कि एक स्टिक उठाते हैं और उसे फ्लंग करते हुए नीचे जाते हैं और बोलते हैं सरेंडर यानी कि कौन है उन्हें पता चल गया तो उनके घर में कोई चोर आया है बट वो बहुत अमेज़ हो जाते हैं देख कर कि वो जो जो ड्रॉर थी वो ओपन थी पैसे वहाँ से चोरी हो रखे थे जो हाउस कीपिंग के पैसे थे बट उन्हें कोई नहीं दिख रहा था वो पर्दों के पीछे वहाँ स्टडी टेबल के पास में चिमनी के ऊपर वो और उनकी वाइफ हर जगह चेक करते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता है बिल्कुल उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। तो वो कहते कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है ये चीज़ पूरा दिन वो यही बोलते रहते हैं कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि भाई मेरे घर में चोरी हो गई मैं तो एक मिनट में नीचे चला गया था बट मुझे कोई दिखाई नहीं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्हें ये चीज़ लगती है बट ये इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था जो अभी आगे होने वाला था अब इतनी ही देर में क्या होता है हमें जो धर्मशाला है ना वहाँ का इंसिडेंट बताना शुरू कर देते हैं बहुत सुबह सुबह का टाइम होता है मिस्टर एंड मिसेस हॉल वो जो दोनों कपल थे जिनका वो इन था वो देखते हैं कि ग्रिफिन के जो कमरा है ना उसका दरवाज़ा खुला हुआ था तो वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं क्यों क्योंकि ग्रिफिन यूजली कभी इतनी सुबह उठता नहीं था ना ही वो अपने कमरे का दरवाजा ऐसा खुला रखता था तो वो हैरान हो जाते हैं देखिए कि अरे भैया इसके कमरे का दरवाज़ा खुला है ये दिख भी नहीं रहा है तो चलो जाके इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं अंदर देख लेते हैं अंदर क्या है क्या नहीं है तो वो उन्हें लगता है ग्रिफिन नहीं है सुबह सुबह तो वो उस रूम में एंटर करते हैं ठीक है दोनों हस्बैंड वाइफ ठीक है वो एंटर करते हैं वो बेडशीट को टच करके देखते हैं वो देखते हैं कि बेडशीट बहुत जो है ना ठंडी है अभी समझ गया जैसे सर्दियों में जब कोई बेड बैट पे बैठा है तो उसके बाद वो थोड़ी वार्म हो जाती है ना वो देखते हैं कि बेडशीट ठंडी है यानी कि ग्रिफिन बहुत देर से रूम में नहीं है और वहां रूम में उसकी सारी बैंडेजेस पड़ी होती हैं उसके क्लोथ्स इधर उधर रूम में सब कुछ इधर उधर होता है तो उन्हें लगता है ये रूम में नहीं है अब वो रूम में ऐसे देख ही रहे होते हैं कि एकदम से क्या होता है मिसेज हॉल जो उनकी नाक के पास में आके कोई स्निफ करता है ऐसे करता है कोई उठर जाती है ठीक है और एकदम से क्या होता है वो जो चेयर होती है उनके रूम में वो ऐसे हवा में झूलनी शुरू हो जाती है और कोई उन्हें आके मारता है और सडनली क्या होता है वो जो चेयर होती है वो उन दोनों को ऐसा दोनों हस्बैंड वाइफ को ऐसा धक्का मारती है रूम के रूम से बाहर फेंकती है मिसेज हॉल चिड़ियों से नीचे गिर जाती हैं और वो दरवाज़ा ऐसे बंद हो जाता है तो तुम्हें तो समझ में आ गया होगा कि ये सब किसने करा है बट मिसेज ऑल डर जाती हैं मिसेज ऑल डर जाती हैं उन्हें लगता है कि ये जो साइंटिस्ट है इसने कोई जादू टोना कर दिया है ये जो मेरी मम्मी की जो चेयर थी ये जो चेयर है ये तो मेरे घर में इतने जमानों से मेरी मदर इस पर बैठा करती थी अब इसमें कोई भूत वूत आ गया है वो तो बहुत डर जाती हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है ये इसने कुछ कर दिया है मेरे फर्नीचर के साथ कुछ भूत भूत आ गया है बट मैं आपको बता रही हूँ डरो मत कौन था बेसिकली वो ग्रिफिन था वो अभी वहाँ से चोरी करके आता था वहाँ से क्लर्जी वैन के घर से वो चोरी करके आता सुबह सुबह तभी वो बैंडेजेज़ एंड ऑल डाट वहीं पे थी तो जब मिस्टर एंड मिसेज़ हॉल उसके कमरे में चेक करने आते तो वो गुस्सा होता था वो शॉर्ट टेम्पर था ऐसे कैसे मेरे रूम में आ गए हो इसलिए उसने क्या करा उसे नहीं करना चाहिए था ऐसा कि वो रूम में मार रहा है उन लोगों को वो बिल्कुल तरस नहीं खाता है मिसेज़ हॉल पर इतनी बूढ़ी सी थी वो चेयर लेके उन्हें फेंक के मारते वो नीचे जाके गिरती हैं स्टेयर्स में ठीक है अब कुछ देर बीतती है कि क्लर्जी वैन के घर के चोरी की बात भी फैलनी शुरू हो जाती है पूरे के पूरे विलेज में और सभी लोगों को शक होने लगता है किसपे पे स्ट्रेंजर पे यानी कि मैन पे कि शायद इसने चोरी करी है और वो शक ये अब गाइज शक हो रहा था पूरे के, पूरे विलेज को कि शायद क्लोजिंग के घर में जो चोरी हुई है वो ग्रिफिन ने करी हो और वो शक सच में बदलने वाला था जैसे उसने सडनली लाके मिसेज हॉल को पैसे भी पे कर दिए तो सब डिसाइड करते हैं कि जो वहां विलेज का जो एक कॉन्स्टेबल होगा उसको कहाँ पे ग्रिफिन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उससे पूछताछ करने के लिए ठीक है ये सब डिसाइडेड था आने वाला था अभी कॉन्स्टेबल कहां पे उनके कोच एंड जो उनका इन था वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बट जो है मिसेस हॉल ना वो अवन का दिमाग ख़राब हो जाता है वो ना रुकती नहीं है कांस्टेबल के आने के लिए और वो गुस्से में चली जाती है किसके पास ग्रिफिन के पास कि भैया ऐसे कैसे तुमने मेरी चेयर के साथ क्या करा है डायरेक्ट जाती है ग्रिफिन के पास और उससे जाके पूछते तुम क्या कर रहे थे मेरी चेयर के साथ क्या करा तुमने ऊपर मेरी चेयर के साथ और ऐसा कैसे हो गया कि तुम लॉकड रूम के अंदर एंटर कर गए अब वो क्या था मैं आपको समझाती हूँ क्योंकि जब वो चेयर के थ्रू जब उन्हें बाहर फेंका गया तो वो डोर लॉक हो गया था एंड थोड़े समय बाद ही ग्रिफिन उस रूम के अंदर से बाहर आके उन्हें उसको पैसे पे करते तो हैं ऐसा कैसे हो गया कि तुम एम रूम में एंटर कर गए बिना उसको खोले किसी को दिखाई नहीं दिया तुम कैसे वहां पहुंच गए एंड ऑल दैट तो उसे बहुत सारे क्वेश्चन करती है तुमने मेरी चेयर को क्या कर दिया बंद कमरे में तुम कैसे एंटर हो गए एम रूम में तुम कहां से आ गए ऑल दैट ऐसे क्वेश्चन कर ही कि ग्रिफिन का दिमाग घूम जाता है वो ऐसे ही शॉर्ट टेम्पर है कहता है अच्छा बताता हूँ अभी तुम्हारे को क्या चक्कर है कैसे होता है ये सब और वो क्या करता है अपनी बैंडेजेज़ ओपन करनी शुरू कर देते हैं और हॉल बहुत डर जाती हैं सामने उनके एक आदमी क्या कर रहा है वो पूरा अपनी बैंडेजेस ओपन कर रहा है और धीरे ही धीरे वो कैसा बन जाता है हेडलेस बन जाता है हेडलेस यानी मुंडी नहीं दिख रही है उसकी बिल्कुल आप मान सकते हो इस तरीके से ठीक है वो अपनी पूरी बैंडेजेस उतारता है अपना चश्मा उतार के फेंक देता है नोज उतार देता है विस्करस हटा देता है बिल्कुल हेडलेस हो जाता है और थोड़ी देर में वहाँ बार में यानी कि वो जो उनका धर्मशाला थी ना तो वहाँ पे बार में ये इंसिडेंट हो रहा था वहाँ के तो और लोग भी थे मिसेज हॉल भी थी सब चिल्लाने लगते कि ये क्या हो गया उनके सामने एक हेडलेस इंसान था यानी कि वो मुंडी कटा भूत जैसे कहते हैं ना बिल्कुल वैसे ही वैसे बन गया था वो कौन हमारा ग्रिफिन और गुस्से में आके उसने अपना सीक्रेट रिवील कर दिया था कि मैं इन्विजिबल हूँ अब इतनी ही देर में वो कॉन्स्टेबल जिनको आना था जिनका नाम है मिस्टर जाफर्स वो आ जाते हैं किसको ग्रिफिन को पूछताछ करने के लिए तो वो ग्रिफिन को देखते हैं कि क्या है भैया ये तो कोई हेडलेस इंसान है तो वो अपनी ड्यूटी की तरफ इतने पक्के हैं वो क्या कहते हैं हेडलेस हो या नहीं हो उसका सर हो या नहीं हो मैं तो इसको पकड़ के लेके जाऊंगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो आदमी है इसके हेड है या नहीं है तो मिस्टर जाफर्स जो है पकड़ने की कोशिश करते ग्रिफिन को अब ग्रिफिन को क्या करना था ग्रिफिन को वहां से भागना था तो वो इधर उधर कुछ नहीं देखता इधर अपने हाथ इधर अपने ऐसे ऐसे सबको जो है किक करना शुरू कर देता है मारना शुरू कर देता है एंड ही ट्राइड टू अंड्रेस हिमसेल्फ वो क्या ट्राई कर रहा है कि वो अपने कपड़े रिमूव कर सके जिससे वो फिर से इनविजिबल हो जाए और वहाँ से भाग जाए और सब लोग कोशिश कर रहे हैं रोकने की कोशिश करे ग्रिफिन को कि ग्रिफिन जो है अपने कपड़े रिमूव नहीं कर पाए क्योंकि सबको अब समझ में आ गया था कि वो इन्विजिबल है अगर वो कपड़े रिमूव कर देगा तो वो भाग जाएगा सब कह रहे हैं इसे से पकड़ो इधर से पकड़ो बट कुछ नहीं होता कभी किसी को यहाँ पर मुक्का लग रहा था कभी किसी को यहाँ पर घुसा लग रहा था ग्रिफिन सबको मारे जा रहा था अब ग्रिफिन इतनी देर में क्या करते हैं अपनी शर्ट को रिमूव करता है और एकदम से मिस्टर जाफर देखते हैं कि उनके फेस के ऊपर से ऐसे एक शर्ट आती है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है इतने में दो आदमी इधर जो खड़े होते हैं उनके लेग कोई बहुत जोर की हिट करता है तो ग्रिफिन सबको मारना शुरू कर देता है एंड सब बार बार कह रहे होते हैं उसे इधर पकड़ो इधर पकड़ो बट सारे के सारे एफर्ट्स जो होते हैं उनके ये, ये यूजलेस हो जाते हैं ग्रिफिन अपने आप को जो है इनविजिबल कर लेते हैं वो सारे क्लोथ्स रिमूव करके वहां आईपिंग से भाग जाता है यानी कि उस धर्मशाला में से भाग जाता है और यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाता है तो विद दिस गाइज वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो तो अभी आप आई थिंक तो समझ गए होगे क्या हुआ कि ग्रिफिन एक बार फिर से जो है सक्सेसफुल हो जाता है भागने में जैसे एक बार लंडन स्टोर में वो भागा ऐसे ही आज फिर से जब वो जाफर्स वो पकड़ा जाता वो कॉन्स्टेबल उसको जो था पकड़ के ले जाता जेल में बट फिर भी वो सबको मार के वो सक्सेसफुल हो जाता है वो वहाँ से भाग जाता है अनड्रेस होके अब किसी को नहीं पता था कि ग्रिफिन को कहाँ पकड़ा जाए कहाँ मिलेगा वो ठीक है और यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा द इनविजिबल मैन से ये चैप्टर लिया गया है अभी अगर तुम्हें जानना है कि आगे क्या होता है ठीक है इस स्टोरी में आगे क्या होता है क्योंकि ये तो एक फुल नॉवल है तो कभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं भी आपको ये नावल पढ़ा दूंगी नहीं तो कभी आपको टाइम मिले तो आप ये नॉवल पढ़ लेना द इनविजिबल मैन बहुत इंटरेस्टिंग है कि आगे अब जब ग्रिफिन आइपिंग से भाग जाता है तो वो आगे क्या क्या करता है बहुत इंटरेस्टिंग नावल है जब कभी टाइम मिला पढ़ लेना अभी हमारे क्लास टेंथ के सिलेबस में तो हमें ये चैप्टर पढ़ना था और इतना ही पढ़ना था ठीक है तो हमने क्या क्या पढ़ा स्टार्टिंग क्या हुई वो बच्चे जो इम्प्रिंट्स का पीछा कर रहे थे फिर ग्रिफिन गया लंडन स्टोर में फिर ग्रिफिन थिएटर में चोरी करने फिर ग्रिफिन आया आईपिंग आईपिंग में वो रह रहा था आराम से बट जब उस पर पैसे खत्म होने लगते हैं वो क्लर्जीमैन के घर चोरी करता है क्लर्जीमैन के घर चोरी करता है तो शक पड़ता है उस पर और साथ ही के साथ वो मिसेज हॉल के रूम में उनको हिट करता है वो फर्नीचर एंड ऑल दैट वाला केस तो मिसेज हॉल जब जाके उससे क्रॉस क्वेश्चन करती है कि ऐसा सब कैसे हो रहा है सबको शक होता है तो वो गुस्से में आके क्या करता है अपना सीक्रेट रिवील कर देता है और फाइनली एट दी एंड में जब मिस्टर जाफर्ड उसको अरेस्ट करने के लिए आते हैं तो वो सबको मार के एक तरीके से वहाँ से भाग जाता है ये था आपका सिंपल सा चैप्टर फुट प्रिंट्स विदाउट फीट रिटन बाई एच जीवल्स तो आई होप आप चैप्टर का टाइटल समझ गए फुट प्रिंट्स विदाउट फीट क्यों था क्योंकि वहां उन बच्चों को फुट प्रिंट्स तो दिख रहे थे बट फीट नहीं दिख रहा था कोई इंसान नहीं दिख रहा था ठीक है तो विद दिस आई मीच इन द नेक्स्ट वीडियो जहां हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट गिवेन अ गाइड जहां आप आगे के सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हो क्लास टेन इंग्लिश के दोनों बुक के सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं एस एस टी के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं और अगर आपको इन चैप्टर्स की समरीज चाहिए नोट्स चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आई डी चेक कर सकते हैं वहाँ में सभी चैप्टर के समझ नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करती रहती हूं तो वहां से आप चेक कर सकते हो अगर इंस्टाग्राम नहीं भी यूज़ करते हो तो डोंट वरी इस चैप्टर का पेंड कमेंट चेक कीजिए वहां पे आपको शॉर्ट समरी मिल जाएगी इस चैप्टर की तो बाय बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो